ये सपा नेता आजम खान पे मुकदमा दर्ज हुआ है, किन मामलों में दर्ज हुआ, किन किन लोगों पे दर्ज हुआ इसमें उनके अलावा? ये थाना क्षेत्र कोतवाली में नन्हे नाम के व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके घरों को, पहले उनकी ज़मीनों को उनको लालच दे करके उनको ये बताया गया कि उनको दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन उनको झूठ बोल करके उनके जो घर थे उनको तोड़ा गया, उनके साथ उनको मिसीट करके उनके साथ मारपीट की गई और उनका जो सामान है, जो घर में रखी हुई ज्वेलरी थी या पशुधन था, उसको लूटपाट हुई है। इस तरह की शिकायत जो आई थी, इसकी जांच करवाई गई है। उन जांच में आरोप जो सही पाए गए, उस आधार पर ये FIR दो मुकदमे थाना क्षेत्र कोतवाली में पंजीकृत हुए हैं, जो मुसीपुराई टीम थाना से संबंधित है। इसमें मारपीट, धमकी देना और 389 इन धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें कुल 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें सांसद आजम खान और उनके सहयोगी आले हसन, जो कि पूर्व में CO के पद पर तैनात रहे हैं, और इसी के साथ फसाहत शानू और अन्य कुछ लोग नामजद हैं इसमें, और कुछ अज्ञात में लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर ये FIR दर्ज की गई। क्या इसमें SOG का भी कोई? जी, एक सिपाही का नाम भी इसमें बताया गया है, जो कि जाँच के दौरान जो बयान दिए गए हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वो जो पूर्व में CO सिटी थे उनका काफ़ी करीबी था, और ये जो अवैध कार्य हुआ है इसमें उसके वो भी उनके साथ में शामिल था, इस अवैध कार्य। तो क्या स्कूल की ज़मीन थी, ये क्या था? ये इसमें स्कूल बनाने के नाम पर ज़मीन ली गई थी, रामपुर पब्लिक स्कूल नाम से इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये ज़मीन तोड़ी गई थी, जिसमें कि उनके जो आशियाने थे, उनके घर थे, उनको तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया, क्योंकि बताया गया है कि अवैध रूप से ये कार्य किया गया है, जिसके संबंध में फिलहाल FIR दर्ज की गई है। अभी इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा, जिसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।